लोन के बारे में बात करेंगे आज की, लोन कैसे ले। वैसे तो अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हो, बाइक, ट्रैक्टर या ट्रक, जो भी खरीदने जा रहे हो, तो आप जब जाओगे तो आपके पास सेल्समैन ज़रूर आएंगे। सेल्समैन आपसे पूछेंगे कि आप कैश में लेंगे या फाइनेंस करवाएंगे, लोन पे लेंगे, तो आपको दोनों कंडीशन बता दे। खैर, मेरे को कमेंट्स आए थे बहुत सारे, दो तीन कमेंट्स भी आए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताने के लिए, तो ठीक है, मैं जितना हो सका मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ लोन के ऊपर। तो देखिए, लोन की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे देश में बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ, ऐसे बैंक है, फाइनेंस कंपनियाँ ऐसे, जो कि व्हीकल्स लोन देती है, यानी कि अगर कार, बाइक या आप कह लो ट्रक जो भी ले रहे हो, तो उसका जो है आपको लोन देती है, और ये काफ़ी ज़्यादा लिया भी जाता है। ठीक है, अब इसके बाद लोन ही नहीं, इसके बाद आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, इंश्योरेंस भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आके कुछ होता है तो उसके बदले में मुआवजा आपको इंश्योरेंस में मिलता है। ठीक है, अब इतना आसान भी नहीं है लोन लेना। ठीक है, अगर आप सभी बैंक या फाइनेंस कंपनी के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हो तो लोन लेना काफ़ी मुश्किल है आज के डेट में, लेकिन मिल जाता है। अब जो है बात करते हैं कि आप इसको कैसे, अगर आपको लोन लेना है तो हम लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सिबिल रेट जो रहता है, सिबिल करो, यानी कि आप अपना स्कोर चेक करो, paisabazaar.com में जाओ या policybazaar.com में जाओ, और भी बहुत सारे छोटे मोटे कंपनियाँ ऐसे, आपको स्क्रीन में भी दिखा दे रहा हूँ एक पैसा बाजार वाले का, तो इसमें जाके आप क्रेडिट स्कोर अपना देखो कि क्या आप लोन ले सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो या नहीं, तो इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। अब आ जाते हैं कि हमारे, जब आप लोन ले रहे हो तो आप सबसे पहले आप जब आप ले रहे हो तो आपको बहुत सारे चढ़ावा आएंगे, यानी कि प्राइवेट कंपनी या फाइनेंस कंपनी और बैंक कंपनी, बैंक कंपनी और फाइनेंस कंपनी में से आपको क्या चूज़ करना चाहिए। मैं सबसे सही ऑप्शन है बैंक को आप चूज़ करो, क्योंकि फाइनेंस कंपनी हमें उनकी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो ठीक तो होती है, जब तक आप सामने होते हो कस्टमर को, उनको समझाने के लिए सही है, यानी कि आप समझ रहे हो ना, बना देते हैं वो लोग, तो तब तक सही है। लेकिन बैंक ऐसा चीज़ है कि बैंक आपको कभी धोखा नहीं देगा, और बैंक कोई गलत बात नहीं बोलता है। मैंने बहुत ऐसा भी देखा है कि फाइनेंस कंपनी मुंह पे कुछ और बात, अभी कुछ और बात करेगी और बाद में कुछ और बात करती है, यानी कि रेट तो वही रहेगा 11%, 9%। मैं सब फाइनेंस कंपनियों को नहीं बोल रहा हूँ कि वो फेक है, कुछ है जो फ्रॉडिंग करती है, यानी कि चीटिंग करती है, कहती है अभी 9% लगेगा, तो फिर बाद में बोलती है 14% लग रहा है, फिर बीच में आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे पैसे लूट रही है। ठीक है, तो इन सब फाइनेंस कंपनी से भी आपको बचना पड़ेगा, नहीं बचने से आपको वो तो लूट लेंगे। तो मैं बेटर ऑप्शन दूंगा, अगर नए हो तो आप बैंक से आप लोन लो, बैंक इज़ द बेस्ट प्लेस। तो बैंक में जो बात हो जाती है वही होती है, और इंटरेस्ट रेट भी है थोड़ा सा हल्का सा, मतलब 19-20 होता है, यानी कि 9% 10% जो रेट हम बता दूँ, 9% लेके 15% तक व्हीकल्स लोन होता है। अब आपका जो गाड़ी है के हिसाब से आपका रेट लगता है। तो सबसे पहले तो आप कोई भी कंपनी का अगर आप लोन ले रहे हो तो बैंक हो या फाइनेंस कंपनी, तो उनका पहले सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन को पढ़ो काफ़ी ज़्यादा, एक दिन टाइम लो, उनके जो बुक लिस्ट मिलती है उसकी टर्म कंडीशन की, उसको आप लेकर आओ। ठीक है, दो तीन जो भी है घर वाले या किसी को बैठा के समझो उसको कि क्या रेट है, क्या चीज़ ये कंपनी है, क्योंकि लोन लेना है आपको, किसी चीज़ को गिरवी रखना है, तो आपको घर को रखना है, तो बहुत चीज़ आपको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको सेटिंग करना पड़ेगा, समझो कंपनी के बारे में, उसके बाद लोन लेना है। ठीक है, आपको अब आ जाते हैं कि आपको कौन सी, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ दिखा देता हूँ, मान लो अगर आपके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आपको 25 लाख या 15 लाख 30 लाख का कोई गाड़ी खरीद रहे हो, तो आपको जो है 7.5 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है। ठीक है, 10 लाख का प्रॉपर्टी है, 7.5 लाख का मिल जाता है, और वो आज के रेट के हिसाब से डिपेंड होता है, यानी कि अभी के मार्केट क्या है, उस जमीन का वैल्यू क्या है, उस हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। लगभग 70-75% का लोन आपको मिल जाता है, और बाकी अगर आपका मान लो 25-30 लाख का गाड़ी है तो आपको इधर 7.5 लाख मिल जाता है, और बाकी इधर उधर करके और भी आपके जो कुछ प्रॉपर्टी होंगे या कुछ दिखाएंगे उसमें आपको मिल जाता है। और बैंक का जो आपका जो मैं तो मतलब रिकमेंड करता हूँ बैंक, तो बैंक में अगर आपको अच्छा खासा थोड़ा सा कन्विंस करके या आपका अच्छी पहचान है तो और अच्छे से लोन मिल जाता है, हालांकि अटकाया जाता है। और इसमें बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी जो आपको लोन देती है, SBI है और भी बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी। और एक और बात कि अगर आप बिना सोचे समझे ट्रक में आ जाता हूँ, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स ट्रक से है तो जुड़े हुए ट्रक्स पे आ जाते हैं, कि अगर आप बिना सोचे समझे कोई ट्रक का लोन ले लेते हो तो आगे जाके फंस जाओगे। तो मैं पहले ये बता दूं कि जब भी आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो
तो पहले से एक प्लान बना लो कि मैं गाड़ी खरीदूंगा तो किस चीज़ में चलाने वाला हूँ, क्या मैं परमानेंट के लिए कंपनी कोई है, या मैं कोई ट्रांसपोर्टर है, या कोई मेरा खुद का माल है। तो ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में आपको चलाना है, ठीक है। मान लो आपको एक रबड़ का कंपनी है, ठीक है, आप उसमें मतलब मान लो आपकी चीज़ की रिक्वायरमेंट है 4 टन की, तो आपको 6 टन वाली गाड़ी को नहीं लेना है। आप मान लो दो उसी दाम में आप दो गाड़ी निकाल सकते हो, आप टाटा एस निकाल लो या महिंद्रा का बोलेरो ये निकाल लो, पिकअप निकाल लो, तो दो गाड़ी उतना ही दाम में आप ले सकते हो। 12 लाख की अगर मान लो बजट है, तो 12 लाख में एक बड़ा गाड़ी लेने के बजाय छोटा गाड़ी दो निकाल लो, तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि मेरी चीज़ किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, तो मैं लोन लूँगा। लोन लेना इतना आसान नहीं है, और लेने के बाद आप बहुत लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। खैर, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में ला रहा हूँ, तो डिटेल वीडियो को देखने के लिए आप एक दो दिन वेट करो, उसके बाद मैं कंप्लीट आपको एक डिटेल वीडियो ला रहा हूँ कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, कैसे फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, कैसे आप लोन लेने से बचिए, कौन सी कंपनी सेफ है कौन सी नहीं, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।